ਤਰਾ ਪੜਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ठीक हो गया लिए 2 किलो का डब्बा तो अब दोबारा से अपनी बाइक संभालते हैं क्योंकि मौसम बहुत खतरनाक है, बादल बन चुके हैं बारिश। ओए बिराग चुप करा बना छोड़ कितने देर लगती है? 5 मिनट पहले कर किधर कर तेरी मोहब्बत है सर, तेरी ये मोहब्बत है सर, मिटाई बहन दी। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से थोड़ी कुछ तब्दीली लेके आ रहे हैं इंट्रोडक्शन में। कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत कहा कि यार आप अपना इंट्रोडक्शन में अपना नाम भी बताया। बहुत सारे दोस्त ना आपके जो फेसबुक फॉलोअर हैं वो आपको आपके नाम से नहीं जानते। नाम मज़हर हुसैन है, तो इंशाल्लाह आज से जो इंट्रोडक्शन होगी कि हर वीडियो में अपने नाम से ही शुरू करूँगा। तो आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ चेंज भी है, आज कुछ ट्रैवलिंग भी होगी उसमें, एक दोस्त के यहाँ जाना है, तो व्लॉग करते हैं शुरू। ये है जी सूट देना, सीधा जाना है टेलर के पास, जो मेरे दोस्त हैं महबूब भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छी कपड़े सिलाई करते हैं। शुरू से मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, तो आज भी उन्हीं को कपड़े देते हैं। मैं पहुंचा हूं अभी महबूब भाई के पास, उनकी शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक हो? तबीयत से ठीक है सर? देख लिया गिफ्ट आ चुके थोड़े को, कपड़े मेरे गिफ्ट पर है सीवन है सर। बिल्कुल दोस्तों, ये महबूब भाई हैं, तो इन्हीं से मैं अपने कपड़े सिलवाता हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं। तो मुझे कपड़ा सीता पे मिले यो सामने लेनी? अच्छा वो दिखाओ मेरे को। या तबीयत से ठीक है? काम सही चल रहा है? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, माहौल बनी पे है। बस ये नहीं होना, ये शुक्र मिला होना। अच्छा अच्छा ताऊला को सुना कर। ताऊला ही सुन कर रहा हूँ। नहीं ताऊला से तेरी उम्र है सुनने वाली। ताऊला को हर उम्र आला सुनता है। सही कहा। कितने देर लगती? 5 मिनट पहले कर किधर कर परमेश्वर तेरी मोहब्बत है जी। दोस्तों सुबह से काफ़ी सारे काम किए हैं आज, तो अभी एक मसरूफियत को छोड़ छाड़ के कज़न की कॉल आई है कि तैयारी करो कहीं चल रहे हैं। शाम के टाइम हो गए, 4 बज रहे हैं, तो जाना थोड़ा जहाँ मुश्किल है लेकिन जाना ज़रूरी है। कज़न का जाना ज़रूरी है, कज़न का दोस्त मैं और एक अभी हैं काशी भाई भी हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं एक दोस्त के घर द्रैस सिंध की तरफ जाना है। तो बस तैयारी शैयारी हो चुकी है मेरी, बस दोस्त का वेट है, वो जैसे आते तो हम इंशाल्लाह निकलते हैं सफ़र के लिए। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह पहुंच के आप वहाँ से रब्ता करें, रास्ते में जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कज़न का जो दोस्त है काशी भी, वो यहीं से लेने आएंगे। काशी भी के साथ कज़न के घर जाऊंगा, फिर उससे आगे इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग। ये नहीं पता गाड़ी पर जाएंगे या बाइक पर, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जो पंजाब पुलिस ने जमान पर इमरान खान के घर पर अटैक किया, तो वही मैं सुन रहा था। वैसा भी निकलना है यहाँ से। हाल है जी दोस्तों, हमारा प्लान हो गया चेंज। पहले शायद गाड़ी पर प्लान था हमारा, लेकिन अब प्लान इस तरह चेंज हुआ है, दोस्त जो मुझे लेने आ रहा था वो डायरेक्ट कज़न के घर जा रहा था। कज़न ने कॉल किया, आप अपनी बाइक लेके आ जाओ, आगे बाइक पे ही चलते हैं, 4 बंदे तो 2-2 बाइक्स पे चलते हैं। तो मौसम ख़राब है तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे वहाँ से, रास्ते में कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दरिया सिंध की तरफ जा रहे हैं हम लोग। दरिया सिंध मतलब कि कच्चे के इलाके की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो उस तरफ कीचड़ बहुत है, बादल बने हुए ना, तो इस वजह से गाड़ी एहतियातन हम लोग नहीं लेके जा रहे। माशाल्लाह से मौसम बहुत ही सुहाना बन चुका है, क्या खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। इन्हीं ने काम खराब किया है। अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? घंटे तो पहले सर आ गई नहीं, मैं आ बन जा रहा हूँ।
4 बजे हाजरी आउट करा मीठा ले लेते हैं। मीठा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं उसका भतीजा पैदा हुआ है। ऐसे नहीं काफी भाई, शहर में रुके खड़े हम लोग इस वक्त मिठाई लेनी है, तो जिसके यहाँ जा रहे हैं उनका भतीजा पैदा हुआ है जो मेरे दोस्त हैं सकलैन भाई, उनके लिए कुछ मीठा ले लेते हैं। तो मीठा ले जाना जाना वैसे अच्छी बात होती है, किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सही ले लिया 2 किलो का डब्बा, तो अब दोबारा से अपनी बाइक संभालते हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़तरनाक है, बादल बन चुके हैं, बारिश के चांसेस फुल हैं। ओए विराग चुप करा, बना छोड़ घर हैं, घर वगैरह बना छोड़। हाँ हम सकलैन भाई के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा पहले द्रासीन पे चलते हैं, तो यहाँ भी नहीं, तो अभी हम द्रासीन की तरफ जा रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है और बादल शादल बने हुए हैं, तो सबसे पहले द्रासीन की सैर करते हैं। तो ये अभी बनाया है, बस ये 2-3 साल हुए, पहले नहीं था। 2010 को जब सैलाब आया था तो उस वक्त जहाँ कुछ भी नहीं था, सारा जो 7 करीब शहर है वाड़े सीढ़ा वो डूब गया था, तो वाड़े सीढ़ा शहर को बचाने के लिए ये बन बनाया गया, पूरा एक किस्म का यहाँ पर बन बनाया और काफ़ी सारा यहाँ पर कंट्रोल हुआ है। शहर छोटा शहर, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसको बचाने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया है हमारे सियासियों की तरफ से। अभी यहाँ से पानी पीछे चला गया, नहीं तो पानी काफ़ी आगे उस तरफ हुआ करता था, तो अब तो ये काफ़ी पीछे पानी आ गया। जो कितना अर्सा थे तो काम करें दे? हाँ जी, डेढ़ साल। अच्छा 1.5 साल अपने, ये किराया था ये किश्ती? नहीं आपने दुहे, माशाल्लाह रात सारी रात सही होंगे वे? चलो माशा, अच्छा जा शाम का टाइम हो गया, बिल्कुल अंधेरा होना है। उस साइड पे वो 2-3 बंदे फंसे हुए हैं, कश्तियाँ सारी वापस आ गई शाम के टाइम, तो ये भाई इस भाई के जानने वाले हैं जो उस साइड पे फंसे हुए हैं। तो अब कश्ती वाले भाई के पास डीज़ल है नहीं, तो अब जा रहे हैं डीज़ल लेने, ये दोनों वापस आएंगे, तकरीबन रात ही हो जाएगी, फिर वो जब वहाँ पर बंदे फंसे उनको लेने जाना है। वो सुबह के उस पार गए थे काम करने के लिए,
तो अब वापस आए हैं। ये वैसे बेवकूफ़ी इस टाइम मौसम ख़राब है, इन्हें को नहीं मिलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से सलाद भी आ चुका है और खाना भी तैयार हो गया हमारा माशाल्लाह से। तो दोस्तों खाना खाकर हमने निकलना है यहाँ से वाड़े सीढ़ा से, हमारा घर बहुत दूर है तो हमें जाते देखो देखो घंटा लग जाएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।